ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अजित भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, घर की याद आ रही है। मुझे भी यार अपने घर की बहुत याद आती है। ना जाने इस बार छुट्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जय हिंद सर। जय हिंद। विनोद क्या हुआ? सर अच्छी सर के लिए खबर है। रुको मैं अभी बुलाता हूँ। अच्छी सर। जी सर। दीपक तुम रुको, मैं अभी लौट के आता हूँ। क्या हुआ रवि भाई, सब ठीक है? सब ठीक तो है। विनोद भाई तुम्हारे लिए खबर लेके आए हैं। मेरे लिए खबर? क्या हुआ विनोद, सब ठीक है? सर मेरे साहब ने आपके लिए 15 दिन की छुट्टी अगले हफ्ते से कर दी है। क्या बात है अजीत भाई, अब तो छुट्टियाँ मिल गई हैं घर वालों से मिलने के लिए, मजे करो। सर एक बात और है। एक बात और है, बताओ क्या है? कि हमारे कैंप के आसपास पाकिस्तान आर्मी ने लैंड माइन बिछा रखे हैं। पाकिस्तान की मुआका। विनोद तुम परेशान मत हो, उन पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि हम इंडियन आर्मी के जवान हैं, हम लैंड माइन से डरने वाले नहीं हैं। तुम कैंप का ध्यान रखो। यस सर। मैं रवि एक राउंड मार के आते हैं। जी सर। चलो गो। पाकिस्तानियों की पागलपंती देखकर मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने को। अरे अजीत भाई ऐसा मत बोलो, वैसे भी तुम्हें 2 साल के बाद छुट्टी मिली है, कुछ समय अपने घर वालों के साथ बिता के आना। वो तो सब ठीक है रवि भाई। तो सुना तुमने? सुना तो मैंने।
भाई तुम हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। रवि अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरा पैर लैंड माइन पर रख गया है, तुम पीछे हट जाओ रवि, तुम पीछे हट जाओ। अजित भाई तुम पागल मत बनो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अजित भाई तुम अभी रुको, मैं मेजर साहब से बात कर रहा हूँ। रवि ये जोश में आने का टाइम नहीं है, होश से काम लो, मेरा पैर लैंड माइन पर पड़ चुका है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तुम समझने की कोशिश करो। रवि तुम यहाँ से जाओ। अजित भाई मैं तुमको इस हालात में छोड़ के नहीं जा सकता। रवि तुम समझने की कोशिश करो, और एक मिनट मेरी बात सुनो, ये चिट्ठी मेरे घर वालों को दे देना, और दुआ करना कि जब भी मुझे इस धरती पे जन्म मिले इस देश की सेवा करने का अवसर मिले। लो अजित भाई। हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।